स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है जी हाँ हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने का निर्णय कर लिया है और ये कब से खुलेंगे क्या क्या एसओपी का पालन करना पड़ेगा ये हम पूरा आपको वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हरियाणा में स्कूलों को सरकार ने खोल दिया है और आज इसका ऑफिशियल लेटर भी जारी हो गया है ये है इसका पूरा ऑफिशियल लेटर कब स्कूल खुलेंगे और इसमें क्या क्या आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी और क्या डॉक्यू क्या आपको कौन सा एक सहमति पत्र भी लाना पड़ेगा और उसमें क्या लिखा जाएगा ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिए ये देखिए डायरेक्टर डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन विद्यालय शिक्षा निदेशालय का एक लेटर जारी हुआ है और इसमें राज्य के सभी स्कूलों को ये फॉरवर्ड किया गया है सभी अधिकारियों को फॉरवर्ड किया गया है और इसका जो विषय है वो राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए खोलने के बारे में है ये और ये लिखा जाता है मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ कि स्कूलों को सोलह तारीख से खोला जा रहा है सोलह जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे और राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में कक्षा नौवीं से बारहवीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पठन पाठन के लिए विद्यालयों को खोला जा रहा है और ये जो बाकी एसओपी जो है वो पिछली बार की तरह ही लागू रहेंगी कक्षा छठी से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था तेईस जुलाई से की जाएगी और एक से पांच के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है पहली से पांचवी के बारे में निर्णय बाद में लिया जाएगा और इस संदर्भ में सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए कक्षाओं को का संचालन करने की पिछले वर्ष की जारी जो एस है उसके लिए प्रशिक्षण वीडियो अध्यापकों अभिभावकों तथा विद्यार्थियों के लिए पहले ही उपलब्ध करवा दी गई है इसका प्रसारण एजुसेट के माध्यम से भी किया जा रहा है उपरोक्त एसओपी के संदर्भ में आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा जारी रखते हुए विद्यालय खोले जा रहे हैं अभी मुख्यमंत्री जी ने एक दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम जारी किया है जिसके अंदर एजुसेट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होती है और ऐसे में विद्यार्थी जो ऑनलाइन शिक्षा से जुड़कर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उन्हें भी इसकी अनुमति रहेगी विद्यार्थी अपने माता पिता की लिखित अनुमति मिलने पर ही पढ़ने के लिए विद्यालय में आएंगे और वो एक सहमति पत्र है जो पिछली बार आया था वही सहमति पत्र अब की बार भी रहेगा और वो पत्र अपने पेरेंट्स से वो भरवा के लाएंगे और उसमें उनके पेरेंट्स के साइन होंगे तभी उनको विद्यालय में एंट्री दी जाएगी और मास्क भी लगा कर आना पड़ेगा और जो भी एस ओ पी है जो भी प्रोसीजर है वो अपनाना पड़ेगा बच्चों को कोरोना से रिलेटेड और विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर कोई बाध्यता नहीं रहेगी और इस बारे में विद्यार्थियों पर किसी प्रकार का दबाव भी नहीं बनाया जाएगा और ये उपरोक्त की अनुपालना में आपको आग्रह किया जाता है कि माता पिता की पूर्व सहमति से विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं संचालित करने के संदर्भ में समुचित कार्यवाही करें इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जारी की जाएगी बारह जुलाई को तीन दो, दोपहर तीन बजे निदेशक सेकेंडरी शिक्षा और निदेशक मौलिक शिक्षा द्वारा संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा सभी संभावित शंकाओं का इसमें समाधान किया जाएगा जिसको भी इससे रिलेटेड स्कूल खुलने से रिलेटेड कोई भी अगर शंका है कोई भी दिक्कत है तो वो इसमें इसका समाधान किया जा सकता है इसलिए आपको आग्रह किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में इस सूचना का संप्रेषण तुरंत प्रभाव से करते हुए विद्यार्थियों के आने से पूर्व एसओपी में दिए गए दिशा निर्देशों की अनुपालना को समुचित रूप से पालन किया जाए ये था पूरा लेटर ये हमने आपको पूरा लेटर दिखा दिया है और इसके अंदर जो भी एस है वो बच्चों को उसकी पालना करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से ही बच्चे स्कूल आएंगे और टीचर्स भी एस का पालन करेंगे और मास्क का यूज़ करेंगे और ये एक बहुत बड़ी डिटेल थी और बहुत बड़ी खुशखबरी थी बच्चों के लिए कि उनके लिए स्कूल खोल दिए गए हैं और अभी केवल नौ से बारह के स्कूल खोले गए हैं छः से आठ के तेईस जुलाई को खोले जाएंगे और एक के एक से पाँच का अभी भी निर्णय नहीं लिया गया है धन्यवाद